जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम गॉस प्रमेय का यूज करके उससे कुलाम के नियम को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। मान लिया यहाँ पर एक बिंदु आवेश है क्यू, मुझे इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक गॉसियन पृष्ठ बनाता हूँ, एक गोला बनाता हूँ, है ना, समझ लो ऐसे आर त्रिज्या का गोला है, ठीक है। मुझे पता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी, और जो है पृष्ठ, अगर मैं कोई छोटा सा पृष्ठ लूँ डीएस, तो उसकी दिशा भी यही होगी, सेम दिशा होगी इनकी दोनों की, मतलब। या हम कह सकते हैं इस पूरे पृष्ठ पर अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की और पृष्ठ की सेम दिशा होगी, मतलब बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकल रही है, और सब हर एक बिंदु r दूरी पर है, मतलब पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो सेम है, समान है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि जो मेरा फ्लक्स होगा फाई ई, वो बराबर होगा विद्युत क्षेत्र का मान और गुणा इस पृष्ठ का, इस गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्र पर, ठीक है। और हमें पता, लेकिन फ्लक्स गॉस की प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय कहती है कि फाई ई जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्यू बाई एप्साइलन नोट। दोनों वैल्यू बराबर रखते हैं, क्यू अपॉन एप्साइलन नोट बराबर ई गुणा एस, ठीक है, ये ई गुणा एस। तो एस की वैल्यू हमें पता है पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, इधर इसको डिवाइड में भेजेंगे तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट क्यू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया विद्युत क्षेत्र। अब अगर मैं आर दूरी पर यहाँ पर कोई दूसरा आवेश रखता हूँ क्यू नोट, ठीक है, तो इस क्यू नोट पर अब क्या लगाएगा, ये विद्युत क्षेत्र जो है बल लगाएगा, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, तो बल क्या लगाएगा विद्युत क्षेत्र, एफ बराबर क्यू नोट ई, क्यू नोट अपने आवेश रखा है, ई विद्युत क्षेत्र है, तो उस पर बल लगेगा एफ बराबर क्यू नोट ई, ई की वैल्यू रही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ बराबर क्यू नोट गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू क्यू नोट बटे आर स्क्वायर, और यही तो कुलाम का नियम है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का, जो कि क्या उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यही कुलाम का नियम है, कुलाम को नियम है, ठीक है, ये हमें करना था आज। अगर समझ नहीं आया है ये कैसे कैसे हुआ है, तो तुमको गॉस की प्रमेय और उसके जो एक दोनों प्रयोग की वीडियो है पिछली, वो सब देखनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। ओके, दोबारा देख लेते हैं पूरे को। जय सिया राव।